तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तो आ गया, आप कैसे हो भैया? नरेंद्र मोदी जी आपको फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। कोरोना वायरस काल में बच्चों को नुकसान हो गया था, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएगा, फेसबुक पे ईमेल के थ्रू लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करके भी आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको एक लैपटॉप चाहिए फ्री में, तो ये मैसेज है, इस पे आप क्लिक करें और फॉर्म वॉर्म भर दें, 10-5 लोगों को शेयर कर दें, उसके बाद लैपटॉप आपको दे दिया जाएगा फ्री में। तो जब भी आप ऐसे मैसेज को देखें, तो उस पे क्लिक करने से पहले उसको कहें अथू, ये निहायती फेक मैसेज है। कोई फ्री लैपटॉप नहीं मिल रहा है भैया, कोई नहीं दे रहा। उनको खुद ही पैसे चाहिए, पहले उनको पहुंचा दो तुम। मोबाइल फ्री मिल रहा है, कपड़े फ्री मिल रहे हैं, स्टूडेंट को दे रहे हैं, मैसेज आ रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ लूटने का फेक स्कैम मैसेज है। तुम क्लिक कर दोगे, तुम्हारा फोन भी हैक हो जाएगा, तुम्हारा डाटा चला जाएगा, और जाने तुमसे क्या क्या मांग लिया जाए। तो प्लीज, जब भी आपको कोई फ्री मैसेज आए, स्पेशली व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या मेल के थ्रू, तो उन पर बिल्कुल बिलीव ना करें, चाहे वो सच हो। सच पता लगाने का तरीका यही है कि उस कीवर्ड को आप गूगल में जाके टाइप कर दें और क्लिक करेंगे, तो न्यूज में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फेक है या सरकार की तरफ से कुछ आया है। और सरकार की तरफ से कुछ भी आएगा तो ऑफिशियल जो भी उनका वेबसाइट होता है उस पे जाके आप चेक करेंगे। अरे भैया, तुम्हें व्हाट्सएप से थोड़ी बताएंगे फ्री लैपटॉप ले लो। अरे भाई, वो समाचारों में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, प्रॉपर करके वहां से आपको पता चलेगा। ये फ्री का जो चक्कर है, इसमें बहुत लोग लुटते हैं, लुट रहे हैं, फंस रहे हैं, नए नए तरह के स्कैम चल रहे हैं। अरे यहाँ तो लैपटॉप फ्री के चक्कर में लुट रहे हैं लोग, क्योंकि पास एक लड़की का कॉल आता है और वो लड़की अपना रंगारंग कार्यक्रम दिखा देती है और बाद में पैसे मांग लेती है। देखो, फ्री के मजे लेने के चक्कर में यहाँ पुत गई उनकी। तो भाई, ये जो फ्री का चक्कर है, ये बहुत बुरा है, सबको पता है। तो जब भी आपको कोई फ्री दे, जब भी आपको लगे आप जीत रहे हो, आप चमक गए हो, आपको बंगला गाड़ी मिल गया है, तो उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है, अथू।